हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द कुकिंग होस्ट पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कोलकाता स्टाइल बिरयानी, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन के तैयार हो जाती है और टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। आपको जब भी बिरयानी खाने का दिल करे आप इसे बहुत जल्दी बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले मैं एक बोल ले रही हूँ यहाँ पे। मैं 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, इसे मैं फुल स्पून ले रही हूँ, बड़े स्पून में ले रही हूँ। और मैं इसमें ऐड कर दूंगी 200 ml वाटर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे दूसरे बोल में स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें सिर्फ इसका पानी चाहिए, हमें इसका रेशा नहीं चाहिए। तो इसे बहुत अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरा प्रोसेस। यहाँ पे मैं 500 ग्राम चिकन ली हूँ, जिसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका पानी भी बहुत अच्छे से मैं निकाल दी हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक का, जो पानी मैंने निकाला था स्ट्रेन करके। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर ले रही हूँ, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ले रही हूँ यहाँ पे। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं नमक ले रही हूँ, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 से 5 ड्रॉप केवरा वाटर ले रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे रोज़ वाटर भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मीठे अदरक का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये कोलकाता बिरयानी में ये बहुत ही मैंडेटरी होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे केवड़ा वाटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये डालेंगे तो इससे अच्छा टेस्ट आएगा। ये किसी भी किराने के स्टोर पे इजीली अवेलेबल होता है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 से 2 ड्रॉप यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 60 ग्राम दही ले रही हूँ, इसे भी ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ पे मैं 1 लार्ज साइज ओनियन ली थी, जिसको मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया है, वो ऐड कर दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, अब मैं इसे मैरिनेशन के लिए रख रही हूँ 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी नहीं है तो आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, या अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप इसे कम से कम 1 घंटे के लिए आप मैरिनेट करके इसे रख लीजिए। इससे जो कोलकाता चिकन बिरयानी का टेस्ट है वो अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरा प्रोसेस। यहाँ पे मैं 3 आलू ले रही हूँ, ये थोड़े बड़े साइज के हैं, इसको मैंने 2 शेप में कट कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। और मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ, इससे थोड़ा कलर इन्हांस हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है इसमें लुक बिरयानी में। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो। और मैं यहाँ पे मीठे अतर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है मीठा अतर तो आप यहाँ पे रोज़ वाटर या केवरा वाटर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 से 2 ड्रॉप यूज़ करूँगी और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसे मैं प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लूँगी और 2 से 3 विसल आने तक इसे कुक कर लूँगी। इसे हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि आलू जो है हमें बाद में फ्राई करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे का प्रोसेस। यहाँ पे मैं 500 ग्राम बासमती राइस ले रही हूँ। यहाँ पे मैं इंडिया गेट का बासमती राइस ले रही हूँ, सुपर, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं बासमती राइस। ये लॉन्ग ग्रेन्स होते हैं इसलिए मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लूँगी। इसे बहुत हल्के हल्के हाथों से वॉश करना है ताकि जो चावल है हमारा वो टूटे नहीं। इसे मैं 1/2 घंटे के लिए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके भिगो दूंगी। यहाँ पे मैं पैन ले रही हूँ, जिसको मैंने हीट कर लिया है, और यहाँ पे मैं तेल इसमें ऐड कर दी हूँ। ये 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल है जिसमें मैं चिकन कुक करूँगी। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने 2 ओनियन को फ्राई किया था। ऑयल प्रॉपर हीट हो चुका है तो मैं अब इसमें चिकन ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, जो मैंने मैरिनेट करके रखा था। इसे अच्छे से चला लेंगे। मैं इसमें हाई फ्लेम पे ही कुक कर रही हूँ अभी। जब इसमें एक उबाल अच्छे से आ जाएगा तब मैं इसे लो फ्लेम करके 10 मिनट तक अच्छे से प्रॉपर कुक कर लूँगी ढक करके। देखिए इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ गया है, तो अब मैं इसे लिड से ढक दूँगी और फ्लेम को लो कर दूँगी और इसे 9 से 10 मिनट तक अच्छे से कुक कर लूँगी। तो मैंने चिकन को 10 से 12 मिनट तक कुक कर लिया है, तो मैं इसका लिड हटा करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये बहुत ही अच्छे से चिकन गल गया है और मैं अब यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि चिकन जो है वो परफेक्टली कुक्ड हो गया है। और अब मैं इस चिकन को प्लेट में निकाल लूँगी। हमें चिकन को बहुत आराम से निकाल लेना है प्लेट में क्योंकि अब हम इसे फ्राई करेंगे। और ये जो हमारी अखनी है इसे मैं मैरिनेशन में यूज़ करूँगी। आपको गाढ़ा अगर लगे तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं, हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो चलिए आप चिकन को फ्राई कर लेते हैं और आलू को भी फ्राई कर लेते हैं। मैं एक पैन ले रही हूँ जिसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें बॉयल्ड जो आलू किया था वो मैं इसमें फ्राई कर लूँगी।
वन बाय वन मैं आलू इसमें डिप कर दूंगी। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है और इसे तब तक फ्राई करना है दोनों साइड से जब तक ये बहुत अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। इसे पलट पलट के फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से। तो देखिए इसमें कलर बहुत अच्छे से आ गया है, ये दोनों साइड बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तो मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। बहुत ही केयरफुली आप निकालिएगा। अब इसी ऑयल में हम चिकन फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दे रही हूँ जो मैंने अखनी में से निकाला था। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। और इसे दोनों साइड से साइड बदल बदल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक। तो ये बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इसमें। फ्लेम को ऑफ करके मैं इसे निकाल लूँगी। बहुत ही केयरफुल निकालिएगा ताकि आपका चिकन का जो पीसेस है वो टूटे नहीं। देखिए ये चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया, कलर भी इसका बहुत ही अच्छा आया है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे मैं एक वेसल ले रही हूँ जिसमें मैंने 2 लीटर के करीब पानी लिया है। ये हमें चावल का 3 से 4 गुना पानी एक्स्ट्रा लेना है। और मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी 2 तेज पत्ते, 1 जावित्री का फूल, 2 टुकड़ा दालचीनी का, 3 छोटी इलायची और थोड़ा सा नमक। मैं इसमें सब ऐड कर दूंगी। हमें नमक की क्वांटिटी इसमें अच्छी रखनी है क्योंकि चावल में प्रॉपर अगर नमक रहता है तो टेस्ट अच्छा आता है बिरयानी का। और मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। इससे जो हमारे चावल हैं वो खिले खिले बनेंगे, एक दूसरे से आपस में चिपकेंगे नहीं। हमें वेट कर लेना है एक उबाल आने तक। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। तो देखिए पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है और मैंने जो गरम मसाला यूज किया था उसका बहुत अच्छे से इसमें खुशबू जो है उसकी रिलीज हो गई है। तो मैं अब इसमें चावल ऐड कर दूंगी जो मैंने चावल को बहुत अच्छे से वॉश करके और भिगो के रखा था। बहुत ही केयरफुली आप यूज करें इसमें। और हमें इसे हाई फ्लेम पे अभी इसे रखना है एक उबाल आने तक। जब एक उबाल आ जाएगा तो मैं इसे कम करके 70-80% तक कुक कर लेना है। हमें चावल को पूरा कुक नहीं करना है। तो देखिए पानी में एक उबाल आ गई है। मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और इसे थोड़े देर के लिए मैं कुक कर लूंगी। इसे ओवर कुक नहीं करना है। तो देखिए ये चावल प्रॉपरली कुक हो गया है। मैं इसे 70% तक कुक कर ली हूँ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ करके इसे फौरन ही स्ट्रेन कर लूंगी। इसे हमें छोड़ना नहीं है, नहीं तो चावल जो है वो ओवर कुक हो जाएगा। तो देखिए मैंने चावल को स्ट्रेन कर लिया है स्ट्रेनर में। ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस असेंबलिंग का। तो मैं लेयर लगाने के लिए यहाँ पे एक वेसल ले रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा घी अप्लाई कर दूंगी नीचे में। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और मैं अब इसमें अखनी ऐड कर दूंगी जो मैंने साइड पे रखा था। अगर आपको अपने अखनी की कंसिस्टेंसी कम लगे तो थोड़ा सा आप उसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए ताकि हमारा जो लेयर है वो नीचे का वो सटे नहीं। और अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी जो मैंने फ्राई किया था। आलू ऐड कर दूंगी और अब मैं चावल इस पे ऐड कर दूंगी। मैं इसमें खोआ ऐड कर रही हूँ। ये कोलकाता बिरयानी की बहुत स्पेशल चीज़ होती है, इंग्रेडिएंट्स होती है जिसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप इसको यूज़ कर सकें। अब मैं इसमें फ्राइड ओनियन ऐड कर रही हूँ जिसको मैंने साइड पर रखा था। अब मैं इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी। यहाँ पर मैं 1 कप धनिया की पत्ती ली हूँ जिसको मैंने बहुत ही फाइन चॉप कर लिया है। इसे भी मैं गार्निश कर लूँगी थोड़ा सा। यहाँ पे मैं 1/2 कप दूध यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, इसके जगह पे आप गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने से जो हमारा चावल है वो नीचे चिपकेगा नहीं। और बाकी का जो चावल है मैं इस पे ऐड कर दूंगी और मैं इस पे स्प्रिंकल कर दे रही हूँ फ्राइड ओनियन, थोड़ा सा हरा धनिया, हरे मिर्च। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा लुक्स इनहांस करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं घी ऐड कर दे रही हूँ, एक अच्छी सी खुशबू आती है इससे। और मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट बिरयानी का कलर इससे बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा खोआ ऐड कर दे रही हूँ और थोड़ा सा मैं मीठा अतर ऐड कर रही हूँ इसमें। तो बहुत अच्छे से मैंने इसकी असेंबलिंग कर ली है। तो अब मैं इसे फॉइल पेपर से रैप कर दूंगी
अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप इसको आटे से भी रैप कर सकते हैं, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे, जो भी इजी लगे, आप उससे इसे ढक सकते हैं ताकि जो हमारा भाप है वो बाहर ना निकले और जो बिरयानी है वो अच्छे से दम हो जाए। इसे मैंने बहुत अच्छे से फॉइल पेपर से कवर कर लिया है। अब मैं इसे लिड से ढक दूंगी। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑन कर दूंगी और इसे 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसी तरह से दम कर लूंगी। और जब ये 2 मिनट हो जाएगा तो मैं इसके नीचे तवा लगा दूंगी और लो फ्लेम पे इसे अच्छे से मैं 10 से 12 मिनट तक दम कर लूंगी। 2 मिनट तक मैंने हाई फ्लेम पे इसे दम कर लिया है। अब मैं इसे हटा दूंगी और इसके नीचे मैं तवा लगा दे रही हूँ। तवा हीट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर वेसल रख दे रही हूँ और फ्लेम को लो कर लूंगी और 10 से 12 मिनट तक हमें इसे दम कर लेना है। मैंने इसे 10 से 12 मिनट तक दम कर लिया है, तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए इसमें बहुत अच्छे से दम हो गया है, तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ सर्विंग प्लेट में। तो मैं यहाँ पे सर्विंग प्लेट ले रही हूँ, इसमें मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। परफेक्टली कुक्ड है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये देखिए कोलकाता बिरयानी बनके तैयार है। आपको जब भी दिल करे, ये देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, लेकिन जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही ईजिली बन जाएगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनके तैयार होती है ये बिरयानी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।